सो हाई एवरी वन दिस इज जाबाज टॉपिक सेकेंड ईयर ए बी एस आई नो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग एंड इट्स बिन अ लॉन्ग गैप मैंने काफी लाइक like, एक लंबा गैप ले लिया था यूट्यूब uh, से पर राइट नाउ आई एम बैक एंड मुद्दे की बात करते हैं आप लोगों का नीट 2024 जो है वो बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है ओनली थ्री मंथ्स हैव लेफ्ट फॉर इट फिफ्थ मे को आप लोगों का एग्ज़ाम है एंड आई थिंक आज सिक्स uh, फेबररी uh, है सो so, uh, जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ तो और दो दिन शायद लग जाता लग सकता है पर आई डू डू इट एस डू इट एस सुन एज आई कैन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइक like, uh, मतलब अभी वीडियो इज रिगार्डिंग द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कट ऑफ क्या होने वाला है बट राइट नाउ वॉट यू शू डू इज़ मेनी ऑफ यू आर इन लाइक मतलब आप लोगों का बहुत का ऐसा होगा कि प्रिपरेशन का फीस चल रहा है सो so, uh... जो भी है कंटिन्यू करते रह कर, करते रहिए और साथ में क्या कीजिए कि लाइक कंप्लीट सिलेबस अगर सिलेबस बचा हुआ है देन फिनिश इट ऑफ कुछ कुछ नया सिलेबस आया है वो भी आप अच्छे से मतलब कंप्लीट uh, कर लीजिए उसके बाद रिवाइज कीजिए डेली वो जो सिलेबस आप कर रहे हो मतलब जो करते जा रहे हो वही करते ही रहो uh, रुकना नहीं है वो मैं बोलूँगा एंड टेस्ट देते रहो प्लीज़ डोंट एवॉयड टेस्ट इफ़ यू एवॉड टेस्ट देन किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है अगर आप टेस्ट नहीं दोगे बिकॉज यू हैव टू गिव द टेस्ट और टेस्ट देते देते दे, ऐसा होगा कि एक दिन नीट का दिन आ जाएगा एन यूल बेवर टू लाइक डू इट एज अ टेस्ट ओनली रिवाइज द न्यू पार्ट दैट यू हैव नॉट डन बिफोर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है बहुत सारे चीज़ें माइनस हुए हैं एंड कुछ चीज़ें प्लस हुए हैं सो यू हैविल हैव टू फोकस ऑन द प्लस पार्ट बिकॉज ये आपने कभी भी नहीं पढ़ा है पहले या शायद पढ़ भी चुके हो पर कभी भी उतना रिवाइज नहीं किया होगा सो so, एग्ज़ाम में जाके ये भूल जाना लाजमी है सो so, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा ऑल राइट Uh, उसके बाद मॉक टेस्ट प्लीज दे दीजिएगा बिकॉज मॉकटेस्ट इज द मोस्ट इंपॉटेंट मोट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लास्ट टाइम राइट नाउ और राइट एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट क्लास इलेवन का क्लास ट्वेल्व right right? का क्लास इलेवन ट्वेल्व का फुल टेस्ट uh, अब uh, अगर कट ऑफ की हम बात करना चाहे जो वीडियो का मुद्दा है सो so, ट्वेंटी uh, और ट्वेंटी का अगर हम सबसे पहले एक बार ट्रेंड देख ले तब जाके हम लाइक uh, like, कट ऑफ के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे uh, जनरल का जो है राइट नाउ फाइव इस साल फाइव गया था कट ऑफ लास्ट कट ऑफ जो है तो so, काफ़ी कम गया था उसके बाद ट्वेंटी uh, में 548 सो so थोड़ा ज्यादा चला गया था इवन दो सीट्स वर ऑलमोस्ट लाइक सीट्स 300 इंक्रीज हुए हैं इसीलिए आई थिंक 546 से गया था ईडब्ल्यूएस का कट uh, ऑफ uh, 2022 में आप देख सकते हो तो 532 बट uh, इस साल 564 चला गया इस साल में लाइक uh, like, uh, जो प्रीवियस ईयर था 2023 बिकॉज ई डब्ल्यू एस वॉज लिमिटेड टू ओनली सिक्स मेडिकल कॉलेजेस बाकी कॉलेजेस में ई डब्ल्यू एस का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है से टिल बरपेटा तक गुवाहाटी से लेकर बरपेटा तक ही ई डब्ल्यू एस का रिजर्वेशन दिया गया था जिसकी वजह से फाइव सिक्सटी फोर लाइक काफ़ी हाई कट ऑफ चला गया सबसे हाईएस्ट ई डब्ल्यू एस का ही आप देख सकते हो उसके बाद ओ बी सी फोर थर्टी फोर थर्टी और फोर ट्वेंटी वन एस सी का ज़्यादा चेंज नहीं है फोर फोर्टी फोर फो फोटी सिक्स थोड़ा कम हुआ है एस टी प्लेन्स का थ्री सेवेंटी सेवन थ्री सिक्सटी टू और एस टी हिल्स का ये सब ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं एस एसटी का जो सीट्स का आ, मतलब कट ऑफ होता है वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ लाइक स्टूडेंट्स कितने बढ़ते हैं और सीट्स कितना बढ़ता है उस पर मतलब बहुत ज्यादा वेरी करता है सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर्स अफेक्टिंग द कट ऑफ सो कट ऑफ किन चीज़ों पर डिपेंड करना वाला करने वाला है सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने वाले हैं लास्ट ईयर आई थिंक इट वॉज अराउंड थर्टी सिक्स थाउजेंड स्टूडेंट्स थे uh, जिन लोगों ने मतलब नीट में रजिस्टर किया था और अपेयर अपेयरिंग डेफिटली कम होंगे सो आई थिंक अराउंडी एटीन थाउजेंड अपेयर हुए थे सो so, इस साल आप पकड़ के चलो कि ट्वेंटी थाउजेंड स्ट्स विल अपेयर सो एक टेंडेटिव अगर हम माने कि ट्वेंटी थाउजेंड स्टूडेंट्स विल अपेयर फ्रॉम आसाम देट विल मतलब ऑफ इंक्रीज होगा इसकी वजह से बिकॉज स्टूडेंट्स uh, हर साल बढ़ रहे हैं एंड uh, मतलब एक्सपेंडि uh, भी बढ़ रहे हैं जो ट्रॉपर्स से वो भी बढ़ रहे हैं इसीलिए दिस विल इंक्रीज़ द कट ऑफ सीट्स इन मेडिकल कॉलेजेस मेडिकल कॉलेज में सीट डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं एक और मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है जिसका कन्फर्मेशन आ चुका है ऑलमोस्ट आ चुका है और बाकी कॉलेजेस खुलेंगे कि नहीं वो uh, मतलब uh, अभी श्योर नहीं है पर uh, देखते ही देखते वो सब भी हो जाएगा पर अभी वर्तमान में जितने कॉलेजेस हैं उनके हिसाब से आप देखो तो कॉलेजेस एक कॉलेज तो बढ़ने ही वाला है हंड्रेड सीट्स विल इंक्रीज़ उसके बाद क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है सिलेबस uh, रिड्यूस हुआ है डेफिनेटली मतलब क्वेश्चन uh, पेपर का लेवल जो है वो ईजी कर दिया गया है पर uh, जो बात है ना कि न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिसकी वजह से uh, थोड़ा सा मतलब एक ट्विस्ट uh, आ सकता है एंड पेपर का लेवल टफ हो सकता है बिकॉज कुछ इजी चैप्टर्स भी रिमूव कर दिए गए हैं जैसे कि हमारे केमिस्ट्री में uh, कुछ कुछ इजी चैप्टर्स हैं और बायोलॉजी में भी कुछ कुछ इजी चैप्टर्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है और उनकी जगह कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं सो डेफिनेटली नए टॉपिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड एन आर कोटा जो है जो लास्ट ईयर मतलब सेवन परसेंट सीट्स दिया गया था एन आर कोटा में एटी सेवन सीट्स दिया गया था इस साल ये रहेगा कि नहीं कोई भी श्योरिटी अभी तक नहीं है आ, ये मतलब आ, सुप्रीम कोर्ट ने तो वर्डिट दिया है कि नहीं रहना चाहिए या मतलब सस्पेंड कर दिया है पर अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है सो so, अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तीनसुकिया मेडिकल कॉलेज है वो मतलब लाइक जून 2024 से ऑपरेशनल होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक आ, मतलब आप बोल सकते हो लाइकली चांस uh, है बिकॉज uh, एकदम कॉलेज बन के रेडी हो चुका है कॉलेज का वेबसाइट भी ऑन है एंड लाइक uh, like, uh, सब कुछ अपॉइंट भी म, म, मतलब मैंने चेक किया था ए, म, बहुत सारे मतलब सीनियर्स ए, मतलब ए, जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपॉइंट हो चुके हैं एंड uh, मतलब आप देख सकते हो पूरा रेडी है कॉलेज फंक्शन हो फंक्शनल होने के लिए सो इस साल आई थिंक ये फंक्शनल हो जाएगा और प्लस हंड्रेड सीट्स इसमें से भी आ जाएंगे सो पहले फिफ्टीन थे और इसमें से प्लस हंड्रेड सिक्सटीन सीट्स हो जाएंगे आसाम में बाकी कॉलेजेस की अगर हम बात करना चाहे देना चाहें तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज तो है ही उसके बाद विश्वनाथ मेडिकल कॉलेज भी है पर ये 2025 से मतलब एक्सपेक्टेड है और चराइविओ मेडिकल कॉलेज है ये भी 2025 से बाकी प्राप प्राग ज्योतिशपुर मेडिकल कॉलेज इसके लिए ऑलमोस्ट रुपीज वन थाउजेंड करोड़ था बीन अलाटेड सो ये मतलब दिया गया है उसके बाद जो शर्मा सर ने मतलब लाइक बताया था कि विश्वनाथ मेडिकल कॉलेज जो है वो 2026 से फंक्शनल हो सकता है एंड चर मेडिकल कॉलेज विल बी कम्प्लीटेड विद इन थर्टी सिक्स मंथस ये काफ़ी पहले का न्यूज़ है पर उसके बाद ज़्यादा अपडेट नहीं आया है सो आई वी विल एक्सपेक्ट कि इस साल तो ये सब लाइक like, ऑपरेशनल नहीं होने वाले हैं पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर दे कैन बी ऑपरेशनल सो so, उसके बाद हाँ एक और चीज़ है जो करीमगंज मेडिकल कॉलेज है जो लाइक बाराक वैली में सेकेंड मेडिकल कॉलेज बनने वाला है उसका जो फाउंडेशन है वो मतलब पी मोदी ने वो लाइक इनोग्रेट कर लिया है एंड आई थिंक फाइव हंड्रेड एंड के आसपास उसमें मतलब लाइक इन्वेस्ट किया गया हुआ है जिससे मतलब लाइक उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट होने वाला है सो so, लाइक वो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा पर एक और मेडिकल कॉलेज बाराक वैली में ऐड हो जाएगा एंड ऑल्सो भी हाँ बहुत ज़्यादा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज जो है उसमें भी थ्री थाउजेंड करोड़ ऑफ देख देख सकते हो थ्री थाउजेंड करोड़ प्लस आ, का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड मतलब हुआ है बजट में सो तो वो भी लाइक काफ़ी ज़्यादा एक मतलब बूस्ट मिलने वाला है नॉर्थ ईस्ट के अ, अ, मेडिकल अ, सेक्टर को बिकॉज डी एम सी एच इज़ राइट ना ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर इन मेडिकल कॉलेज इन आसाम उस पर भी लाइक काफ़ी ज़्यादा और काम करने वाले हैं जिससे मतलब लाइक मेडिकल कैपेसिटी ऑफ आसाम विल इंक्रीज हॉस्पिटल कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आप देख सकते हो करीमज कॉलेज में 500 करोड़ प्लस का इनॉग्रेशन उसके बाद हाँ एनआरआई के रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था पहले भी एससी सस्पेंड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनआरआई कोटा फॉर एडमिशन इन फॉर एमबीबीएस एडमिशन इन असम ये तो काफी लाइक uh, like, बहुत रिसेंट न्यूज़ है 4 फरवरी 2024 का ही न्यूज़ है

मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो मतलब एन कोटा का जो सीट्स है वो सस्पेंड कर देंगे सो राइट नाउ वी डोंट है एनआर आई कोटा मतलब मतलब अभी तो जो चल रहा है बैच उसमें थर्टी थ्री सीट्स एन कोटा से है पर लाइकली uh, है ये कि ट्वेंटी में एन कोटा का सीट्स नहीं रहेगा पर फिर भी देखते हैं कि क्या हो रहा है आल uh, मतलब अपडेट कर दूंगा अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आया तो इसके बारे में ऑल एंड uh, उसके बाद हाँ ये है एक इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ हमारा जो लाइक एटी फाइव परसेंट स्टेट कोटा है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में उसका सीट मैट्रिक्स किया था सो so, uh, ये मैं लाइक like, uh, अभी तो टेबुल डेड फॉर्म में दिया हुआ है मैं सिंपल भाषा में समझा दूंगा आप लोगों को कि ये था हमारा आसाम का मैट्रिक्स फिफ्टीन हंड्रेड सीट्स थे और दिस वॉज द मेट्रिक्स आप देख सकते हो स्टेट कोटा में हंड्रेड एंड वन वन सिक्स सिक्स ओ बी सी एम ओ बी थ्री हंड्रेड में ओनली सिक्सटी नाइन मतलब अप्रोसीमेटली सेवेंटी सीट्स जो बाद में जाके एड हुआ था उसमें यू uh, आर में फाइव ट्वेंटी फाइव सीट्स जो लाइक like, पहले से इंक्रीज था ट्वेंटी ट्वेंटी टू में फोर हंड्रेड टेन सीट्स थे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सीट्स हुए जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा कम हुआ था uh, दो मार्क का डिफरेंस आया था पर फिर भी आया था बिकॉज लाइक डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे पर फिर भी बिकॉज सीट्स इंक्रीज़ हुए थे इसीलिए

अगर सीट 1600 भी हो गए एंड एन कोटा नहीं रहा देन जनरल का कट ऑफ डिक्रीज़ होगा ही होगा बिकॉज सीट्स इतने हो गए हैं ऑलरेडी ई में क्या होगा कि कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा अगर सिक्स मेडिकल कॉलेज में ई का कट ऑफ रहने वाला है मतलब अगर बरपेटा तक रहेगा फार्मसी एच जो एफ एम सी है उसमें उस पर मतलब उस कॉलेज तक ही रहेगा ई का कट ऑफ ई का सीट्स तो डेफिनेटली ई का कट ऑफ इंक्रीज़ होगा फाइव से ऊपर भी जा सकता है इस साल एंड इफ़ इन ऑल कॉलेजिनेटली कट ऑफ वर्ल्ड डिक्रीज अब सी 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 सीट मेट्रिक्स जो है आसाम का आप देख लेते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का जो टेंटेटि ये टेंटेटिव बता रहा हूँ अगर थर्टीन मेडिकल कॉलेज जैसे कि तीन सौ के मेडिकल कॉलेज भी एड हो गया दैन टोटल नंबर ऑफ सीट्स विल भी सिक्सटीन हंड्रेड डेफिनेटली और उसमें uh, उस से ए आई क्यू का टू फोर्टी सीट्स सेंट्रल पुल का सिक्स ट्वेल्व टू एन आर आई कोटा का अभी अभी के लिए मैं मतलब लाइक ज़ीरो सीट्स पकड़ रहा हूँ स्टेट कोटा में एट्टी फाइव परसेंट सीट्स होता है तो दैन इट विल भी थर्टीन हंड्रेड फोर्टी अराउंड थर्टीन हंड्रेड फोर्टी सीट्स और ओ बी सी हैं ओ बी सी में आप देख सकते हो ट्वेंटी सेवन परसेंट सीट्स विल बी देयर थ्री सिक्सटी टू सीट्स ई डब्ल्यू एस में सेवेंटी सीट्स एस टी प्लेस में वन थर्टी फोर एस टीस में सिक्सटी सेवन एस टी एस सी में नाइन्टी थ्री सीट्स जनरल में सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टीन सीट्स विल बी देयर ऑल राइट सो दिस विल भी जनरल में सिक्स हंड्रेड फोर्टीन सीट्स लाइक ए ह्यूज ह्यूज नंबर लाइक मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है आप बोल सकते हो फोर हंड्रेड एंड टेन थे सबसे पहले उसके बाद फाइव ट्वेंटी फाइव लास्ट ईयर और उसके बाद सिक्स हंड्रेड एंड फोटीन सो ऑलमोस्ट नाइन्टी सीट्स का इंक्रीज़ है सो डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज़ हो जाएगा सो उसके बाद में हम अब भी अभी बात करने वाले हैं नी टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर का आसाम का जो एक्सपेरेड कट ऑफ है एम बी बी एस के लिए वो रह सकता है जनरल में आप बोल सकते हो फाइव फोर्टी से लेके फाइव फिफ्टी तक सो फाइव फोटी फाइव फोर्टी वन वुड बी लाइक वेरी मतलब मतलब कंजर्वेटिव यही एक कंस्ट्रिक्टेड मतलब रेंज बताऊंगा आप लोगों को कि 541, 540 ऐसा रेंज का रह सकता है जनरल का कट ऑफ एंड दिस विल बी द रेंज 540 से 5 फाइव फोर्टी डेफिनेट रेंज ऑलराइट ई का जो है वो मतलब अभी श्योर नहीं हो सकते बिकॉज uh, अगर uh, मतलब सिक्स मेडिकल कॉलेज में रहा देन फाइव से लेकर फाइव प्लस ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो फाइव ही रहेगा कट ऑफ बिकॉज द कट ऑफ विल इंक्रीज़ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मतलब ऊपर uh, का कॉलेज है ना बरपेटा सो so उसमें और भी मतलब लाइक कट ऑफ इंक्रीज़ होने वाला है उसके बाद ओबीसी जो है ओबीसी में 425 से लेके 435 तक कट ऑफ रह सकता है एंड एससी uh, जो है 440 से लेके 450 तक कट ऑफ रह सकता है एसटी टी में 370 प्लस और एसटी फिर में थ्री हंड्रेड एंड टेंथ प्लस इन दोनों जो कैटेगरीज हैं इन दोनों में लाइक कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस डिक्रीज़ हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सीट्स में लाइक इंक्रीज तो थोड़ा बहुत होता रहता है पर फिर भी इसमें एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा मतलब लाइक डिफ्रेंस आ जाता है सो नॉर्मल ट्रेंड तो यही है कि कट ऑफ इंक्रीज़ होता जा रहा है पर एक लाइक मतलब काफ़ी एक थर्टी मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स इस रेंज में बढ़ जाता है सो so, हम लोग exactly नहीं बोल सकते कि कितना बढ़, बढ़ सकता है All right, uh, definitely, और ये जो जो मैं बोल रहा अभी तक uh, मुझे hmm. मिले हैं आई एम ट्राइंग टू यूज दाइक हिसाब से ही मैं आप लोगों को ये कट ऑफ बता रहा हूँ डेफिनेटली और भी सोर्सेज आने वाले हैं पर आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए इट इज़ वेरी वेरी मच important डेट यू कीप योर preparation गोइंग uh, क्योंकि uh, ये जो लास्ट का टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है इसमें आप किसी का भी हेल्प लीजिए किसी का भी मतलब डेफिनेटली आपका खुद का ही मतलब हेल्प uh, uh, मतलब हेल्प uh, आपको सबसे ज्यादा काम में आएगा पर यूज़ योर टीचर्स यूज यूर रिसोर्सेज यूज़ योर मॉक टेस्ट यूज़ यूर ऐप्स एवरी थिंग पुट ऑन द लाइन एंड जस्ट कीप डूइंग थिंग्स बाकी सारे जो डिस्ट्रैक्शनस है उन्हें काटने का कोशिश करो उन्हें खत्म करने का कोशिश करो यू टू यू हैव टू कट ऑल योर डिस्ट्रेक्शन एंड यू हैव टू सिट ऑन टेबल एंड यू है कम डेज बचे हैं और यह लास्ट वाले दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कोई भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में हमेशा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं एंड डबन इफ आई डोंग्राम इंस्टाग्राम आइडिया आप देख ही होट दवा तोफिक टेलीग्राम में भी मैं हूँ अवेलेबल जो भी इंफॉर्मेशन uh, अभी के रिलटेड आएगा मैं वो आपको लोगों को दे दूंगा इतने दिन मैंने एमबीबीएस का दिया है पर अभी नीट के रिलेटेड भी मैं देता रहूंगा डोंट वरी एंड इट्स एंडो एट दवा और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर एनी लाइक इन्फॉर्मेशन बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो आते रहेंगे बट यू हैव टू वॉच दिस मतलब जल्दी जल जल जल्दी मेरा वीडियो देख लीजिएगा अगर चाहे तो वन पॉइंट फाइव एक्स में भी आप देख सकते हो एंड uh, मतलब लाइक फटाफट देखने के बाद यू गेट बैक टू स्टडी और राइट मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू एंड हैव है वेरी वेरी ग्रेट डे